नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दोपहर के फटाफट खबरों की। पीएम मोदी ने आज अपने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए लोगों से आगे आने का आह्वान करते हुए कहा कि देश में पानी को बचाने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में जल संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना किया। दिल्ली में मौसम की गर्मी के साथ साथ राजनीतिक तापमान भी लगातार बढ़ती जा रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में हार के बाद दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित और प्रदेश प्रभारी पीसी चाको दिल्ली की सभी ब्लॉक कमेटियों को भंग करने के मामले में आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि शीला ने जिन कमेटियों को भंग कर दिया है, चाको उन्हें बरकरार रखना चाहते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने बड़ा कदम उठाते हुए साई प्रशिक्षकों, सीनियर और जूनियर खिलाड़ियों के आहार बजट में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है ताकि इसमें समानता लाई जा सके। आपको बता दें कि इससे पहले साई प्रशिक्षक जूनियर खिलाड़ियों और सीनियर खिलाड़ियों के लिए आहार बजट क्रमशः 250 रुपये, 480 रुपये और 690 रुपये था। पानी की किल्लत से जूझ रहे तमिलनाडु के लोगों को जल संरक्षण का संदेश देते हुए तमिल फिल्म के सुपरस्टार रजनीकांत ने कहा कि राज्य में गंभीर जल संकट से निपटने के लिए वर्षा जल संचयन को व्यापक स्तर पर शुरू किया जाना चाहिए। सिखों के पवित्र धर्म स्थल करतारपुर कॉरिडोर को खोलने को लेकर भारत ने एक बार फिर से पाकिस्तान को नए सिरे से बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। आपको बता दें कि सिलसिले में दोनों देशों के बीच 11 से 14 जुलाई के बीच वार्ता हो सकती है। आज जम्मू से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था रवाना कर दिया गया। इस बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सरकार ने CRPF की विशेष माउंटेन रेस्क्यू टीमों को भी तैनात किया है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वो अपने संगठन में बड़ा बदलाव करेंगे। इसको लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रदेश से लेकर जिलों तक के संगठन को ओवरहॉलिंग करने का फैसला किया है। इसके साथ ही सपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के साथ फ्रंटल संगठनों में भी नए अध्यक्षों की घोषणा की जा सकती है। झारखंड के शहरी स्लम इलाकों में रहने वालों को अब छोटी छोटी बीमारियों के लिए अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े, इसके लिए प्रदेश की रघुवर दास सरकार दिल्ली सरकार की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने जा रही है। विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय प्रबंधक समिति केंद्र व राज्य सरकार से प्रस्ताव पारित कर अमरनाथ यात्रा के लिए कारगिल से होकर जाने वाले सबसे छोटे व सुरक्षित मार्ग खोलने की अपील की है। इसके साथ ही विहिप ने जम्मू कश्मीर में हिंदू तीर्थस्थलों के विकास पर जोर देते हुए कहा कि इससे कश्मीर घाटी एक बार फिर से स्वर्ग बन सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी व जामिया मिलिया इस्लामिया समेत देश के 24 अन्य यूनिवर्सिटियों को ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से नए डिग्री कोर्स में पढ़ाई की मंजूरी दे दिया है, जिसमें डिस्टेंस लर्निंग मोड के तहत विभिन्न डिग्री प्रोग्राम की पढ़ाई होगी। पश्चिम बंगाल के वसीरहाट से TMC सांसद नुसरत जहां पारंपरिक परिधान साड़ी के साथ माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनकर संसद पहुंची थी, जिस पर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उनकी शादी को ही नकार दिया। इसका जवाब देते हुए नुसरत जहां ने कहा कि वह सेकुलर इंडिया की नागरिक हैं। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी करते हुए बताया है कि आज का दिन दिल्ली वालों के लिए काफी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि दोपहर के साथ दिल्ली में तेज हवा और बारिश चल सकती है, जिससे दिल्ली वासियों को गर्मी से राहत मिलेगी। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने IPS अधिकारी भूपेंद्र सिंह यादव को राज्य का नया DGP बना दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के मौजूदा DGP कपिल गर्ग आज रिटायर हो रहे हैं। इंदौर से भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने के बाद आज उन्हें जेल से बाहर रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में जब एक महिला को पुलिस के सामने घसीटा गया हो तो मैं कुछ और करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, जो मैंने किया उस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA ने चंद्रमा और पृथ्वी के आसपास मौजूद क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए 8 नई टीमों का चयन किया है। ये टीमें मंगल, चंद्रमा के साथ साथ उनके निकटवर्ती अंतरिक्ष वातावरण के बारे में भी जानकारियां एकत्रित करेगी।
जीएसटी क्रियान्वयन के बाद राजस्व में आई कमी पर विचार करने के लिए गठित मंत्रियों के समूह के प्रमुख और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि माल एवं सेवा कर रिटर्न दायर करने की नई प्रणाली के तहत व्यापारियों को कई तरह के प्रारूप के बजाय अब महीने में केवल एक बार एकल फॉर्मेट में ही रिटर्न भरना होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी और मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के कुछ करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर ISI माले स्थित पाकिस्तानी दूतावास से संचालित भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिसके जवाब में भारत ने अरब सागर में अपनी मौजूदगी को बढ़ा दिया है। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के हालिया बयान के बाद कांग्रेस में चल रहे इस्तीफों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस कड़ी में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 35 वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। तमिलनाडु के विपक्षी पार्टी द्रमुक ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के केंद्र सरकार के कदम की निंदा करते हुए कहा कि देश में जनसाधारण के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया जा रहा है। रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के बजाय सरकार लोगों के नौकरियां छीन रहे हैं। ये थी दोपहर के कुछ फटाफट खबरें और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।